हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ शामिल है। देहरा खुद में ही एक हॉट सीट के रूप में सामने आई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की पत्नी खुद मैदान पर उतरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। इस सीट को लेकर और इस सीट की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, हम आश्वस्त हैं। हम इस बात को देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उषार सिंह जी, इस विधानसभा क्षेत्र से वो 2 बार आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़े और जीते, और अभी भी लोगों की भावनाएं उनके साथ हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और जो जनसमर्थन मैं देख रहा हूं उनके पक्ष में यहां पर सब जगह, तो निश्चित रूप से उनकी जीत फिर से होगी। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हैसियत से वो जीत करके आएंगे। यहां प्रश्न नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, ना लोगों को सरकार की परवाह है, सरकार तो है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में एक तरह से, क्योंकि 68 में से 61 सीटों में लोकसभा के चुनाव में हार गए हैं और मुख्यमंत्री अपने ही चुनाव क्षेत्र में भी हार गए हैं, और इसलिए कांग्रेस पार्टी की जमीन जो है वो पांव तले खिसक चुकी है कांग्रेस के नेताओं की सबकी। 10 मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की लोकसभा चुनाव में, तो इसलिए जीत होगी। 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और देहरा में तो बहुत बड़ी प्रचंड लहर है। भाजपा पर आरोप है कि भाजपा ने कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया, इस पर क्या कहेंगे? कतई नहीं, हमने गिराने का प्रयास नहीं किया। सरकार चलानी ना आए, सरकार नहीं चल पाए, इसका दोष दूसरे के सिर पर डालना उचित नहीं होगा, और हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बनी, कांग्रेस ने अपने 18 महीने के कार्यकाल में अपने लोगों को ही गंवाया है, उनके विधायक छोड़ करके जा रहे हैं, अभी और भी संख्या है। मुकेश अग्निहोत्री जी का कहना है कि जयराम ठाकुर झूठ बोल रहे हैं और वो सपने में फिर से मुख्यमंत्री बनने का सोच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो हमारा पार्टी का हाईकमान बनाता है, हम तो सारी चीज के लिए है नहीं, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा ये दायित्व तो बनता है, जो कांग्रेस गलत नीतियों को चला करके यहाँ पर दबाव की राजनीति कर रही है, जो भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ गई, ऐसी सूरत में सरकार के खिलाफ ही विपक्ष का नेता बोलेगा, और मैं विपक्ष के नेता होने के नाते अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूं। मैं मुकेश अग्निहोत्री को खुश करने के लिए नहीं, किसी और को खुश करने के लिए नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। थैंक यू। 15 महीने में सर जो है चुनाव हुए और फिर से वापस इस्तीफा देकर वापस जो है उपचुनाव किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये हालात पैदा किए हैं तो प्रदेश सरकार ने किए हैं, मुख्यमंत्री ने किए हैं ये हालात, उनको सबको लेकर के साथ चलना चाहिए था, लेकिन उनने जिस तरह से सारा माहौल खड़ा किया उसके कारण ये परिस्थिति बनी है, और इसके लिए दोषी है तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे जयराम ठाकुर जी, तो देखना ये होगा कि जनता जो है किसको अपना नेता चुनती है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, धन्यवाद।